हेल्थ अवेयरनेस, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आज पूरे देश और दुनिया में बढ़ रही है। सब लोग जानना चाहते हैं कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम क्या करें। सबसे पहली बात, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए 6 घंटे की निद्रा सबके लिए जरूरी है। और सोते समय आप करवट से सोते हैं तो एक हल्का तकिया लगाएं अथवा शवासन में सीधे सोएं। सुबह उठ करके सबसे पहला काम लघु शंका से यूरिन से निवृत्त होकर के मुंह में पानी भरें और ठंडे पानी से आंखों को धोएं। 100 साल तक आपको आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा और आंखों के नीचे कालिमा नहीं आएगी और आलस्य तो तुरंत दूर भाग जाएगा। उसके बाद पानी पिएं। यदि आपको मोटापा है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, कब्जियत है तो आप थोड़ा गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी से शरीर जल्दी शुद्ध हो जाता है। जैसे बर्तन साफ करने में भी हम कपड़े साफ करने में भी जब बहुत कपड़े गंदे होते हैं, बर्तन बहुत गंदे होते हैं तो गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, वो सफाई के लिए अच्छा होता है। किसी को ज़्यादा ही कब्ज़ रहता हो तो आप थोड़ा नींबू और हल्का सा नमक डाल करके गर्म पानी पी लेते हैं तो पेट जल्दी साफ हो जाता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो वे 4 चम्मच आंवला और 4 चम्मच एलोवेरा गर्म पानी में मिला करके पी लें तो एकदम पेट साफ हो जाता है और दिन भर काम करने के लिए आपको एनर्जी भी मिल जाती है, ऊर्जा भी मिल जाती है। और आंवला एलोवेरा पीने से आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, असमय में आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, झड़ेंगे नहीं, आँखों की रोशनी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी आयु ज़्यादा होगी, आपकी बॉडी में डिजनरेशन नहीं होगा, लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होंगी। और आंवला एलोवेरा का जूस पीने से आपको बहुत तरह की शक्तियाँ भी मिलती हैं। आयुर्वेद में इनको रसायन कहा है, इससे यौवन आपको मिलेगा। जब भी खाना खाएं, खाना चबा चबा करके खाएं और खाना अपनी प्रकृति के अनुकूल खाएं। किसी की वात, किसी की पित्त, किसी की कफ प्रकृति होती है। वात प्रकृति वालों को ठंडी और भारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कफ प्रकृति वालों को ठंडी और जो है चिकनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पित्त प्रकृति वालों को गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो भी खाएं चबा चबा करके खाएं, जल्दी जल्दी ना खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। खाना शुरू करने से पहले थोड़ा आचमन कर सकते हैं और बाद में थोड़ा गर्म पानी से कुल्ला करेंगे तो आपके दांत हमेशा ठीक रहेंगे। दांतों को सदा स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी है। दांतों के बीच में कचरा नहीं रहना चाहिए। दांतों का कचरा दांतों का खतरा हो जाता है। और दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए। सुबह का नाश्ता हल्का सात्विक होना चाहिए। दोपहर का भोजन भी, उसमें आप यदि थोड़ा भारी भोजन है इस तरह का कि जो भोजन आपको रुचिकर लगता है तो उसमें थोड़ा भारी भोजन उसको दोपहर को लीजिए। शाम का भोजन हल्का कीजिए जिससे कि सुबह उठ करके आपका पेट अच्छा साफ हो जाए और आपको सोते समय किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और छोटी छोटी और भी बहुत सी बातें हैं जिनका आप ख्याल रख करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव सोचें, मिला जुला अनाज खाएं और मिलजुल करके रहें। पहले मिला जुला अनाज खाते थे हमारे यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग और मिलजुल के रहते थे इसलिए प्रेम बढ़ता था और सब बड़े सुखी रहा करते थे। और मिला जुला खाते थे तो स्वस्थ रहते थे। हम गेहूँ, बाजरा, मूंग, चावल, इनकी खिचड़ी भी बनाते हैं, इससे आपको पोषण पूरा मिलता है। और आटे में भी हम गेहूं है, फिर उसमें चना, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मकई, जो चोलाई, सिंघाड़ा, 9 अनाज मिला करके आटा बनाते हैं। ये आटा खाने से फिर किसी भी तरह की कैल्शियम की कमी नहीं होती है, आयरन की कमी नहीं होती, विटामिन्स की कमी नहीं होती है, आपके शरीर को पूरा पोषण मिल जाता है। विटामिन्स के नाम पर आपको गोलियाँ नहीं खानी पड़ती, आयरन की कैप्सूल लेने नहीं पड़ते, डिफरेंट प्रकार के आपको एनर्जी ड्रिंक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो। ऐसे छोटे छोटे हेल्थ टिप्स का आप ध्यान रखेंगे तो सदा हेल्दी रहेंगे। काल भोजनम आरोग्य कराणम नास्तिको भज्यानम। महर्षि चरक ने स्वास्थ्य के निचोड़ के रूप में कुछ बातें कही हैं, उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। समय से खाना खाना चाहिए, ये स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सूत्र है, और नास्तिक व्यक्ति से दूर रहना चाहिए और बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए।